एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं कोड नेम तिरंगा ट्रेलर एंड इन दिस वी हैव परिणीति चोपड़ा, आरआरबी, संधू, रिबू, दसगुप्ता इन थिएटर्स और इन सिनेमास 14th of October 2022। तो आ रहा है एंड इसके पहले इसका टीजर आया था तो मैंने देखा था, इट्स प्रीटी नाइस। तो परिणीति आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी इज बीन ऑन द व्हाट यू कैन से थे ऑन द स्क्रीन और आई एम प्रीटी लाइक एक्साइटेड टू वॉच इट। मतलब कैसा कमबैक करते हैं बेसिकली, लाइक टू सी दैट काइंड ऑफ थिंग इन आर एंड ऑल्सो कोड नेम तिरंगा। तो ये होने वाला है बेस्ड ऑन नेशन, तो नेशन से एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और पोस्टर है, थंबनेल देखने से ऐसा लग रहा है जैसे काइंड ऑफ अ सोल्जर, या मतलब दिस होता है ना, मतलब वैसे लग रहा है बाय लुकिंग एट हर। तो देखेंगे चलो कि कैसा क्या होता है कोड नेम तिरंगा का ऑफिशियल ट्रेलर। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। जब एक कमजोर इंसान आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया लानत करती है, लेकिन जब वही कमजोर इंसान बंदूक उठाता है तो उसे दहशतगर्दी कहते हैं। खालिद उमर टर्की में छुपा है। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने इसको देखा था कभी। यू विल नीड योर बेस्ट मैन फॉर द जॉब। रेंजर टू अल्फा 1, डू यू कॉपी? व्हिच वन इज रेंजर? कम इन। दुर्गा, यू हैव अ जॉब टू डू। आई मिस मन डॉक्टर मिर्जा अली, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरा दिल हमेशा अफसोस करेगा, काश तुम्हारी दुआओं के साथ साथ तुम भी मेरे साथ। मतलब क्या तुम मेरी शरीक के हाथ बनोगी? सानू पहली बारी हो गया है प्यार, नी दस होण की करिए, दिल तेरा होई जानदा यार, नी दस होण की करिए। वेलकम टू गाजिंटे। आई एम एक्सपोज्ड। असली नाम तो बता दो। दुर्गा सिंह, स्पेशल आर्म्स। या तो वो मेरे साथ इंडिया आएगा या आप मुझे रिलीव कर दीजिए। तुम मिर्जा से 2 महीने पहले मिली हो और इस आदमी को हम पिछले 20 सालों से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो हम आज उमर को मारेंगे या खुद मरेंगे। उमर हमेशा से पाकिस्तान का ज्यादा वफादार रहा है। ये एक इन एंड आउट जॉब होना चाहिए और ये मिशन का कोड नेम होगा तिरंगा। कॉपी स्काई रेंजर, दिस इज अल्फा 1। The action scenes Parinithi ma'am has been carried in this one, hats off to her yaar, seriously kya zabardast action scenes yahan pe dikhai de rahi ko। I am just like literally just matlab ekdam dangerous comeback hai। I agree that ट्रेलर में आप देख सकते हो द काइंड ऑफ एक्शन होने जा रहे हैं इसमें एंड ऑल्सो द होल काइंड ऑफ थिंग बेसिकली। तो मतलब यहाँ पे एक सीन दिखाया, मतलब एक सॉन्ग इन द कश्मीर दैट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल एंड आफ्टर दैट जो स्टार्ट हुआ लाइक वॉचिंग दैट एक्शंस एंड एवरीथिंग एकदम खतरनाक। आई टोटली मतलब बोला जाए तो आई लव्ड इट द वे शी हैज बीन मेड अ कमबैक विद ऑल दैट एक्शन सीन्स एंड ऑल।
और यहाँ पे ट्रेलर में लास्ट में भी दिखाया गया है कि जब हम जैसे पबजी में लाइक बीजो में खेलते हैं सिर्फ यहाँ पे हाथ में गन सीखते हैं, तो मतलब वो मोड में नॉट इन अ पबजी लाइक इन सीओडी में, हाँ तो हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी में जैसे सिर्फ गन्स दिखते हैं हाथ दिखता है, तो वैसा वाला एक लास्ट को एक सीन यहाँ पे शूट किया गया है। लव इट दैट नाइस कॉन्सेप्ट बाय द वे। एंड यहाँ पे ये है आफ्टर द 2001 के बारे में यहाँ पे कुछ बोला था, तो ओवर दैट वन पर्टिकुलर पर्सन वहाँ मतलब वो कभी भी दिखाई नहीं दिया फिर से, तो मतलब उसको फिर से ढूंढने की यहाँ पे दे हैव बीन डूइंग इट। एंड एंड उसी बीच आई गेस परिणीति फॉल्स इन लव विद हार्डी संधो वही है जिसे दिखाया गया है यहाँ पे, तो उसके बाद होगा क्या। एंड ऑल्सो यहाँ पे है कि या तो मतलब वो सामने वाला बंदा मरेगा हमारे हाथों से या हम खुद उसके सॉरी या खुद हम उसके हाथों से मरेंगे, दैट काइंड ऑफ यहाँ पे सीन्स मतलब थे। लेट्स सी कि कैसा क्या होता है, लेकिन एक्शन सीन्स और मतलब टुक माय हार्ट ब्रेथ अवे, मतलब एकदम क्या खतरनाक है यार। लाइक साड़ी में आई वाज लाइक आई मतलब वो एनर्जी जो एनर्जी के साथ यहाँ पे सब कुछ किया है, आई लव दैट थिंग। एंड ऑल्सो मतलब मुझे आई एम जस्ट लाइक क्यूरियस टू नो कि कैसा क्या सब कुछ होने वाला है। आई गेस ये बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स होने जाएगा ये सब कुछ जो अभी हमारे सामने है, इट्स लाइक गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा ये क्योंकि एक्शन सीन्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे दिखाई मतलब देने वाले हैं हमें। बस ये एक चीज़ है कि सही मतलब तरीके से मतलब दे हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। एंड बात किया जाए यहाँ पे स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पे लाइक पहले लाइक वो जो वो बंदा था तो उसके बारे में लाइक दे हैव बीन शोन एंड आफ्टरवर्ड दे हैव बीन मेड एंट्री, मतलब शी हैज मतलब शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन उनको भेजना चाहिए सब बोला गया था, तो शी हैज बीन कम ऑन द स्क्रीन। एंड ऑल्सो वहाँ पे एक मतलब वो एक एक्शन सीन था जहाँ पे शी वॉज लाइक मतलब एक शॉट करके फुल ऑन बुलेट ऐसे मतलब गिरा के शी वॉज पुटिंग ए न्यू वन, दैट ऑल्सो मतलब एक कट यहाँ पे सीन दिखाया विच आई लाइक टोटली लव्ड इट। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लाइक सेटिंग्स होने जा रहे हैं, अभी तो गुड कॉन्सेप्ट अगर यू विल सी द ट्रेलर एंड ऑल तो बढ़िया है। एंड इट इज गोइंग टू बी रिलीज इन द थिएटर्स ऑन 14th अक्टूबर 2022, तो या लेट्स सी एंड हाउ द ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी। एंड अगर मैं इफ आई एम लाइक नॉट रॉन्ग हार्डी संधु का मतलब उनका ये फर्स्ट मूवी है इफ मतलब मुझे नहीं पता कभी मैंने देखा नहीं, आई हैव बीन सीन हिम इन द सॉन्ग्स और वो सब मतलब कभी उनको मूवी में देखा नहीं है, तो शायद उनका ये पहला ही मूवी होगा, तो देखेंगे कि कैसा क्या होता है, हाउ इट विल गो ऑन द लाइक हाउ पीपल विल लव इट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।